हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के इस वीडियो में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बेसिक्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के बारे में पढ़ लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताऊंगा और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम क्लासेस अभी रेगुलर में अपलोड कर रहे हैं, आप वीडियो ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन बनाने में या कॉन्सेप्ट को समझने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से, फेसबुक मैसेंजर से या व्हाट्सएप पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9999399787, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो के आगे के अपडेट मिलते रहे, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमको पढ़ना है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होते हैं और रिजर्व्स क्या होते हैं, पहले तो ये जान लेते हैं। रिजर्व्स यानी कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कुछ निश्चित और अनिश्चित घटनाओं के लिए हम बचा के रखते हैं, कुछ सर्टेन और अनसर्टेन इवेंट्स के लिए हम बचा के रखते हैं कुछ पैसा, तो उन पैसों को रिजर्व्स कहते हैं। कुछ रिजर्व्स स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जनरल रिजर्व होते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर जो बात करेंगे वो फ्री रिजर्व्स यानी जनरल रिजर्व की बात करेंगे, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं या और बढ़े भी नहीं हैं, बिजनेस में ही पड़े हुए हैं एक दो साल से, क्योंकि पार्टनर ने बांटा नहीं है या कोई दूसरा कारण है प्रॉफिट न बांटने का, तो प्रॉफिट बिजनेस में ही पड़े हुए हैं, पार्टनर निकाल के नहीं ले गए हैं या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया है, तो उन प्रॉफिट्स और लॉसेस को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस बोलते हैं। कुछ फंड्स भी होते हैं जिनका बंटवारा होता है, फंड्स की भी हम चर्चा आगे कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ये तो आपको पता चल गया। अब बात आती है कि इनका हम बंटवारा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इसलिए बांटे जाते हैं, उन पे जो प्रॉफिट लॉस है, जो फायदा है, जो नुकसान है, वो इसलिए बांटे जाते हैं कि आगे हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है आगे के लिए, तो हम चाहते हैं कि पीछे के जितने भी प्रॉफिट्स हैं, पीछे के जितने भी लॉसेस हैं, सब बट जाए, उनका फिर कोई आगे लेन देन न रहे बचा हुआ, ठीक है, ताकि जब आगे बटे तो ना तो किसी पार्टनर को नुकसान हो और ना ही किसी पार्टनर को पीछे के प्रॉफिट की वजह से फायदा हो, ठीक है। तो हम पीछे के प्रॉफिट और लॉस को पूरी तरह बांट लेना चाहते हैं। अब बांटने के दो तरीके हैं, एक तो पूरा का पूरा जो अकाउंट हम जिस प्रॉफिट या लॉस को बांट रहे हैं उसको पूरा का पूरा बंद कर दे अकाउंट और पैसे को ट्रांसफर कर दे कैपिटल अकाउंट में। दूसरा तरीका कि उसको हम बुक्स में ही रहने दें और उसके बदले में जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको गेनिंग पार्टनर से कंपनसेशन मिल जाए यानी क्षतिपूर्ति मिल जाए, ठीक है, कि भविष्य में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है तो उसके पास उसके वजह से जिस पार्टनर को लॉस हो रहा है वो पार्टनर कुछ पैसा या कंपनसेशन जिस पार्टनर को फायदा हो रहा है रेशियो में उससे प्राप्त करे, ठीक है, जिससे भविष्य में अगर बंटवारा हो तो फिर किसी तरह का लॉस या प्रॉफिट ना हो। तो इसीलिए हम प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं उनको भी बांटते हैं, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस ये भी बांटते हैं, ठीक है। अब बटेंगे किस रेशियो में, तो इसमें भी मैंने आपको दो केस बताने हैं। पहला, जब आपको रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को बुक्स क्लोज कर देना है, बुक्स में नहीं दिखाना है, तो क्लोज जब हम करेंगे तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, जो भी पार्टनर एग्जिस्टिंग है, ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में ही, तो जो पुराने प्रॉफिट है उनको हम पुराने रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच ट्रांसफर कर देंगे, एग्जिस्टिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा केस है कि जो हमको बुक्स में
इनको दिखाना है, यानी कि इनके अकाउंट्स क्लोज नहीं करना है, इनका जो बैलेंस है वो उतना ही बुक्स में हमेशा के लिए शो होता रहेगा। तो उस सिचुएशन में हमको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर जो रिजर्व्स हैं या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में हिस्सा निकालकर और फिर हम जनरलाइज कर लेंगे, एक दूसरे को कैपिटल अकाउंट के माध्यम से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके मुझे बताने हैं। तो सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं केस वन की। तो पहले आप देख सकते हैं ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। For reserves and accumulated profit or loss, ठीक है? कम तो in case of changing profit sharing ratio, accounting treatment for reserves and accumulated profits and profits or losses in case of change in profit sharing ratio among adjusting partner, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, तो इसमें केस वन है, when accounts is to be closed or balance in accounts is to be transferred to capital account. मतलब क्या है कि जब हमको जो reserves हैं, accumulated profit और loss हैं, उसको क्लोज कर देना होता है, उनके अकाउंट्स को क्लोज करने देना होता है, और दूसरे उसी में और करके लिखा हुआ है बैलेंस इन अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो उनका बचा हुआ बैलेंस है उन अकाउंट्स में वो आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये दोनों में से कोई लाइन लिखा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में अगर नहीं भी लिखा होगा तो हम यही मान के चलेंगे दोनों केस हैं। अगर कौन सा केस अप्लाई करना है ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको ये वाला केस अप्लाई करना है, दूसरा केस अप्लाई नहीं करना है। दूसरे केस के बारे में जब स्पेशली क्वेश्चन में कहेगा तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हमको सिर्फ ये इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि पूरा का पूरा जो पैसा है हमको ट्रांसफर कर देना है, तो ट्रांसफर कर देना है तो ऑब्वियसली उस अकाउंट का बैलेंस निल हो जाएगा, तो अकाउंट्स अपने आप क्लोज हो जाएगा, तो दोनों लाइन का मतलब वही निकलता है। ठीक है, तो अकाउंट्स क्लोज करना है तो हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन में ज्यादातर जगह पे आपको ओल्ड रेशियो, ज्यादातर क्या सभी क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया रहेगा। तो ओल्ड रेशियो जब दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट और लॉस के बैलेंस दिए हुए हैं, तो आपको हर एक बैलेंस को अलग अलग ट्रांसफर करते जाना है। ठीक है, आप इसके लिए कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, सबको मिला के एक साथ, जितने भी प्रॉफिट है उनको इकट्ठा और जितने भी लॉस है उनको इकट्ठा। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों कर दिए हुए तो दो एंट्री तो करना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे फिर लॉस को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो दोनों का देख लेते हैं एंट्री। जर्नल एंट्री जो होगा इसमें आपका जो होगा सॉल्यूशन पार्ट पे आएंगे, मतलब करना क्या है स्टेप बाय स्टेप बात करें तो इन दिस केस अमाउंट is to be transferred to capital account in old profit sharing ratio। हिंदी में बात करें तो इस विधि में या इस केस में जो बैलेंस है, जो शेष है उन अकाउंट्स का, उनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंग्लिश मैंने लिख दिया, हिंदी मैंने बोल दिया, दोनों तरीके से कोई भी लिख सकते हैं। अब क्या करना होगा, तुमको जर्नल एंट्री करना होगा। तो जर्नल एंट्री प्रॉफिट का अलग होगा, लॉस का अलग होगा। पहला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट
ठीक है, और रिजर्व्स भी कह सकते हैं। तो अगर प्रॉफिट वाली सिचुएशन में होंगे तो हमको रिजर्व्स का बैलेंस नील करना है, खत्म करना है, ठीक है। रिजर्व्स हमारे लिए प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए जब ये बढ़ेगा, कोई भी इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनकम कोई भी बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है, घटता है तो डेबिट में जाता है। तो यहाँ पे घट रहा है, क्यों? क्योंकि हम सारा का सारा जो इनकम है, रिजर्व है, वो ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उसका बैलेंस हमारा घट रहा है। घट क्या रहा है? निल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर कर रहे हैं हम, रिजर्व अकाउंट को डेबिट में लिख दिया। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये अलग अलग करना चाहें एंट्री तो हम कर सकते हैं, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों अलग अलग भी कर सकते थे, मैंने दोनों एंट्री को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ लेना होगा और फिर इनके में बांट देना होगा आपको ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नरेशन जो हो जाएगा होगा पिंक बैलेंस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, बिंग बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये तो है आपको प्रॉफिट बांटने के लिए। दूसरी एंट्री जो होगी आपकी वो होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ लॉस। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि लॉस भी दिया हो, तो लॉस के सिचुएशन में ये वाली एंट्री जो है रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रॉफिट ही होते हैं, यहां पे हम लॉस की बात कर रहे हैं, तो लॉस में आपको यहां पे आ जाएगा एक्यूमुलेटेड, यहां पे आ जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस बिंग बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों एंट्री हैं, एक है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट का, रिजर्व अकाउंट डेबिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री हम कर ले सकते हैं। ये कब करेंगे? जब आपको अकाउंट्स क्लोज कर देने हैं, यानी कि पूरा का पूरा बैलेंस ट्रांसफर कर देना है कैपिटल अकाउंट में। तो ये है आपका केस वन। इसमें कुछ एडिशनल, कुछ एक्स्ट्रा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था, तो हमने सीधे सीधे जर्नल एंट्री लिखा है और इसको आपको बांट देना है, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया, ये दोनों जो अगर मैंने एक साथ सीखे हैं, अगर दो तीन आइटम दिए रहेंगे प्रॉफिट्स के, तो आप उन दोनों तीनों को अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और इकट्ठा भी करना चाहते हैं तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक। ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में आपको फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में कहा रहेगा, तो फ्लक्चुएटिंग होगा तब तो यही एंट्री सही है, लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड आपको यूज करना है तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जो आपने लिखा है उसकी जगह पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो है आपका जब केस वन है तब, ठीक है। अब केस टू की बात कर लेते हैं, अब केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू, ठीक है। केस टू में क्या है कि आपको बुक्स क्लोज नहीं कर रहे हैं, व्हेन अकाउंट्स इज नॉट टू बी क्लोज्ड, ठीक है। दैट इज रिजर्व्स
एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। Is to be shown in books. मतलब आपको जब अकाउंट क्लोज नहीं करने हैं यानी कि उनको बुक्स में अभी भी हमको दिखाना है, आप ये भी लिख सकते हैं is shown in books in future, भविष्य में हमको दिखाना है, ठीक है। तो हम इसको दिखाना बंद नहीं कर रहे हैं बुक्स में, तो इसका मतलब क्या है कि इस बैलेंस को हम छू भी नहीं सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज हमको नहीं करना है, ना तो हम रिजर्व्स को छू सकते हैं, ना ही हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को छू सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बुक वैल्यू पे हमको कोई इफेक्ट नहीं डालना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब जब चेंज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या बताए थे आपको, एक जर्नल एंट्री करते हैं कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम एडजस्टमेंट करने के लिए। जर्नल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री हम पीछे भी कर चुके हैं, यहां भी कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आएंगे, ठीक है, तो इसमें स्टेप वन क्या होगा हमारा, स्टेप वन होगा कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होगा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे, ठीक। उसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा इसमें स्टेप टू, वो आएगा कैलकुलेट नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। तो जितने भी आपको क्वेश्चन में रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉस दिए होंगे उन सब का नेट इफेक्ट निकालेंगे, मतलब उनको जोड़ेंगे या घटाने वाली चीज होगी तो घटाएंगे और जो बैलेंस निकलेगा सिर्फ उसको लेके चलना है हमको। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दे दें 15,000 का रिजर्व दिया हुआ है, 20,000 का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड लॉस दिया हुआ है 10,000 का, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉस में आप ये कह सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है या आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इस तरह का कोई भी लॉस दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले जो 15,000 का जो रिजर्व है उसमें 20,000 का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 35,000 आ गया, उसमें से 10,000 का अगर लॉस है तो 10,000 का लॉस घटा देंगे तो आएगा हमारा 25,000। इस 25,000 को लेके चलना है, ना तो हमको उस 10,000 को कुछ करना है, ना ही 15,000 को और ना ही फिर वो जो एक्युमुलेटेड लॉस का बैलेंस है उसको, ठीक है। उनके बैलेंस को सिर्फ जोड़ घटा के हमको नेट इफेक्ट निकाल लेना है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके बैलेंस को क्यों नहीं छू रहे हैं, तो बैलेंस को न छूने का रीजन यह है क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि उनके जो वैल्यू है, उनके जो शेष है, बैलेंस है, उनको बुक्स में हमको दिखाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसीलिए हम उनके वैल्यू को कुछ नहीं करेंगे, हम इसका नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप थ्री हो जाएगा हमारा नेट इफेक्ट निकालने का, भी मैं तरीका लिख ही देता हूं आपको। रिजर्व्स अगर दिया रहेगा तो आप रिजर्व्स का अमाउंट लिख लेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का अमाउंट लिख लेंगे और अगर कोई लॉस है तो उसका भी अमाउंट घटा लेंगे। कोई भी लॉस हो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो या कोई भी अमाउंट इस तरह का दिया हुआ है जिससे लॉस का पता चल रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा नेट इफेक्ट, ठीक है। इसको हम ले लेंगे बैलेंस में, ठीक। तो ये हमारे स्टेप वन हो गए, स्टेप टू हो गए। उसके बाद स्टेप थ्री में हमको क्या करना है, स्टेप थ्री में हमको मल्टीप्लाई कर देना है नेट इफेक्ट को, मल्टीप्लाई नेट इफेक्ट ऑफ स्टेप टू विथ गेनिंग और
सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर। सभी पार्टनर के गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे इस नेट इफेक्ट को। यहां जितने भी पार्टनर के गेनिंग सैक्रिफाइस निकल के आए होंगे सब से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बैलेंस निकलेगा उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा हर पार्टनर का, उसके साथ हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री आपको पता है तो स्टेप 4 हो जाएगा जर्नलाइज। स्टेप 4 पास जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन? जिनको रेशियो में फायदा हो रहा है, और सैक्रिफाइसिंग कौन? जिनको रेशियो में नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि यहां पे किसको गेन फायदा हो रहा है, मतलब गेन और सैक्रिफाइस हो रहा है। हमको ये देखना है कि किस पार्टनर को उनके रेशियो में लॉस हो रहा है और किस पार्टनर को उनके रेशियो में गेन हो रहा है। तो जिनको गेन हो रहा है उसको डेबिट में लिखेंगे, और जिनको लॉस हो रहा है उनको क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये केस 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31st March 2016 स्टूड एज सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है 28,000, रिजर्व दिया हुआ 42,000, कैपिटल दिया हुआ है ए का और बी का दिया हुआ है, कैश दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, फिक्स एसेट्स हैं। दे डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। फॉर दिस पर्पज दे डिसाइडेड दैट फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%, अ प्रोविजन ऑफ 6% बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। स्टॉक वी वैल्यूड एट 1,90,000 एंड अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन बुक्स, हाउएवर दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर एंड द रिवाइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो आपको जर्नल एंट्री करने हैं, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए हमको नहीं कह रहा है, फिर भी हम बना लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे ढंग से तो सारे जो अमाउंट्स दिए हुए हैं बैलेंस शीट जो ऊपर दिया हुआ है उसके बाद कह रहा है कि उन्होंने 1 अप्रैल 2016 से प्रॉफिट और लॉस को 2:1 में बांटने का डिसाइड किया। पहले बांटते थे वो 4:3 में, और अब बांटना शुरू कर दिया उन्होंने 2:1 में। ठीक है, आगे कह रहा है फिक्स एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू दी हुई है वो है 1,50,000, तो उसको हमको 10% कम कर देना है, क्योंकि लिखा हुआ है डेप्रिशिएटेड बाय 10%। कभी कभी क्वेश्चन आपको लिख देगा डेप्रिशिएट टू 10%, उस सिचुएशन में ट्रीटमेंट अलग होता है। डेप्रिशिएट टू 10% कहेगा तो हम 1,50,000 को 90% कम करेंगे, क्योंकि हमको 10% पर ले जाना है। तो 1,50,000 में से 90% घटाएंगे तब आएगा हमारा जो वैल्यू वो होगा। कब? जब लिखा रहेगा डेप्रिशिएट टू 10%। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है डेप्रिशिएट बाय 10%, तो यानी कि हमको 10% घटा लेना है, 10% से कम करना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है प्रोविजन ऑफ 6% टू बी मेड ऑन सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी कि 1,20,000 का हमारा डेटर्स है, उस पर 6% का हमको कमी करना है, उसमें से 6% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, यानी कि संदिग्ध ऋण, जो पैसा डूबने की उम्मीद है वो करना है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्टॉक वी वैल्यूड एट 1,90,000, यानी स्टॉक को 1,90,000 पे दिखाना है, जबकि अभी है हमारा 1,40,000, तो ये हमारे लिए 50,000 का फायदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी तक जो दोनों आइटम बोले थे वो दोनों लॉस थे, फिक्स एसेट्स को भी कम करना था 10% से, तो वो भी लॉस था हमारा 15,000 का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो बनाना है 6%, वो भी हमारा 7,200 का लॉस है, 7,200। ठीक है, आगे दिया हुआ है एन अमाउंट ऑफ 3,700 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम, यानी कि 3,700 का जो एक अमाउंट है वो क्रेडिटर्स में शामिल है, जो कि अब नहीं मांगा जाएगा, तो वो पैसा हमारे लिए फायदा है। जब कोई क्रेडिटर्स हमसे हम पैसा नहीं मांगेगा तो ऑब्वियसली मेरे लिए फायदा है। ठीक है, आगे कह रहा है पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू इन द बुक्स, यानी कि पार्टनर्स ने जो रिवैल्यूएशन है वो जिस तरह से करते हैं बुक्स में शो करते हैं रिवाइज वैल्यू पे, वो हम
करेंगे, ठीक है। और आगे कह रहा है, हाउएवर दे डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द रिजर्व्स, मतलब रिजर्व्स को वो बुक्स में दिखाना चाहते हैं, रिजर्व्स के अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं, यानी केस वन या केस टू। तो केस टू, केस वन में है जब हम बांट देते हैं, केस टू में है जब हम नहीं बांटना चाहते हैं, ठीक है। जबकि रीवैल्यूएशन वाले केस में है केस वन, उसमें बुक्स को वैल्यू को जो है रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना है, जो अमाउंट है एसेट्स के लायबिलिटी को उनको रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाना है। रिवैल्यूएशन में दो कॉन्सेप्ट बताए थे मैंने आपको, एक था कि जब जो वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उनको रिवाइज्ड वैल्यू पे दिखाते हैं, और दूसरा था जब उनको ओल्ड वैल्यू पे दिखाते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू का सिर्फ नेट इफेक्ट बुक्स में दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट के माध्यम से। ये दो केसेस उसमें भी बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है हमको जर्नल एंट्री करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो शुरू करते हैं तो ये है हमारा क्वेश्चन और ये है उसका सॉल्यूशन। तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा। सबसे पहला जो जर्नल एंट्री है वो है फिक्स एसेट्स को हमको 10% से कम करना है। फिक्स एसेट्स का वैल्यू है 150,000, उसको 10% से कम करना है। तो अगर हम वर्किंग नोट की बात करें तो रीवैल्यूएशन वाले पार्ट पे आते हैं, उसमें सबसे पहला हमको यही कह रहा है कि फिक्स एसेट्स को 10% कम करना है। तो फिक्स एसेट्स को 150,000 इंटू 10% आ जाएगा 15,000। अब हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस, डेप्रिशिएट कर रहा है यानी कि वैल्यू को कम करना है, तो हमारे लिए लॉस है। जैसे ही लॉस होगा तो हमारे लिए रीवैल्यूएशन डेबिट में आ जाएगा, लॉस के केस में रीवैल्यूएशन डेबिट। जर्नल एंट्री में टू फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स कम हो रहा है इसीलिए इसको क्रेडिट में लिख रहा है, कितने से 15,000। ये भी ध्यान रखिएगा अमाउंट जो लिखते हैं वो न तो पुराना वैल्यू लिखते हैं न ही नया वैल्यू लिखते हैं, जो चेंज हुआ है वैल्यू सिर्फ उसको लिखते हैं, ठीक है। दूसरा यहां पे लिख देंगे बिन फिक्स एसेट्स डेप्रिशिएटेड सेकेंड एंट्री जो दिया हुआ है हमारा वो है कि हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए 6% का प्रोविजन मतलब करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6% करना है। तो इसमें जो एंट्री होती है वो दो एंट्री होती है, एक होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बट हमको जो यहाँ पे एंट्री हम करेंगे वो एक दोनों का मिला के कंबाइंड एंट्री कर देंगे, वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे लिए लॉस है, हमको उम्मीद है कि हमारा 6% का जो डेटर्स है, डेटर्स जितने भी हैं हमारे, उसमें से 6% डेटर्स जो है वो हमको पैसा नहीं चुकाएंगे। तो नहीं चुकाएंगे अगर हमको पैसा तो मेरे लिए लॉस है। तो लॉस जैसे हुआ हमारा रीवैल्यूएशन डेबिट में आएगा, डेटर्स कम हो रहा है तो डेटर्स को क्रेडिट मिल गया। तो यहाँ पर फिर नरेशन आ जाएगा बिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगा हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 120,000 का 6% निकालने के लिए कह रहा है, तो 7,200। उसके बाद तीसरा कह रहा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,90,000, 1,50,000 का स्टॉक, 1,40,000 का स्टॉक था और 1,90,000 पे हो गया, तो कितना बढ़ गया, 50,000 से बढ़ गया स्टॉक,
एसेट्स बढ़ रहा है तो हमारे लिए फायदा है, स्टॉक बढ़ गया हमारे लिए फायदा है, तो फायदा में रिवैल्यूएशन क्रेडिट में चला जाता है, इसीलिए स्टॉक डेबिट में आ गया। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने का फायदा है 50,000 का, ये हमने 50,000 का कर दिया ग्रीन। स्टॉक वैल्यू इंक्रीज्ड या वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज हो गया। उसका कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 30,000 यानी कि 3700 रुपए का जो हमारा क्रेडिटर्स था वो अब हमसे पैसे नहीं मांगेगा, ये भी हमारे लिए फायदा है। तो इसमें भी आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये आ गया 3,700 ब्रिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स डिक्रीज्ड, ठीक है। आगे कह रहा है कि पार्टनर्स डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू इन द बुक्स, हाउएवर दे डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब द रिजर्व। तो आगे कह रहा है कि हमको रिजर्व्स को कोई इफेक्ट नहीं करना है और जो बाकी बचे हुए प्रॉफिट्स हैं उसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है हमको प्रॉफिट्स और लॉस को, तो उसके लिए हमको पहले प्रॉफिट और लॉस पता होना चाहिए और रिजर्व्स को हमको जो वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा उसमें रिजर्व्स को बांटना। तो रिजर्व्स केस 2 वाला है, केस 2 में हम सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो कह लीजिए आप सैक्रिफाइस, ठीक है, ए का बी का, ए का ओल्ड रेशियो था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर, सैक्रिफाइस बराबर कहते हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का दिया हुआ है क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो ए का क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 और 3 वैसे दिया हुआ है 2 a, ठीक है, तो 4/7 और 3/7, न्यू जो है वो 2/3 है और 1/3 है, तो इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये -2/21 और ये आया 2/21, तो इसके लिए सैक्रिफाइस है क्योंकि ये पॉजिटिव आया है और इसके लिए गेन है क्योंकि ये निगेटिव आया है। अब नेट इफेक्ट कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही रिजर्व दिया हुआ है 42,000 का, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 रिजर्व्स, तो रिजर्व्स का हो जाएगा 42,000 इंटू 2/21, तो 4,000, तो हो जाएगा यहां पे एंट्री ए गेनिंग पार्टनर है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल 4,000। कैसे किया हमने, तो जो दिया हुआ था 42,000 क्वेश्चन में उसको हमने गेनिंग सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का सेम ही है इसलिए एक ही से मल्टीप्लाई किया 4,000, तो एक को 4,000 मिलेगा जिसने सैक्रिफाइस किया और एक को 4,000 देना पड़ेगा जिसको गेन हुआ है, ठीक है, तो वो हमने कर दिया बिन रिजर्व एडजस्टेड थ्रू कैपिटल और लास्ट एंट्री जो होगा हमारा प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, उसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा, यहां 15,000 का लॉस, यहां पे 7,000 का लॉस, ठीक है, तो 15,000 / 22,200 का लॉस है और 53,700 का फायदा है, तो उसमें से 53,700 में से 22,200 घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है।
तो 31,500 का प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट को बांट देंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, 31,500 को दोनों में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा 4, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 31,500 इंटू 4/7 और 31,500 इंटू 3/7, तो ये हो जाएगा आपका 18,000 और ये हो जाएगा आपका 13,500, ठीक है। ये दोनों को मिल जाएगा 18,000 और 13,500, ये आपका हो गया जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का काम खत्म। अब बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको ए और बी का बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट के दो दो कॉलम, दोनों तरफ बना देंगे, अब इसमें सबसे पहले तो उनका जो कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है वो लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है, 240,000 और 120,000, 240,000 और 120,000, ठीक है। उसके बाद हमने रिजर्व बांटा है, इसमें कहीं भी ए बी कैपिटल नहीं है, यहां पे है सीधे, तो 2 बी कैपिटल, ये पैसा देगा 4,000 किसको, बी को, और यहां पे हो जाएगा बाई ए कैपिटल 4,000, ठीक है। बी को पैसा मिल रहा है इसलिए इसके क्रेडिट में आया, और ए पैसा दे रहा है इसलिए इसके डेबिट में आया। अब दूसरा है इसमें, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 18,000 और 13,500, तो हमने बैलेंस बस निकाल लेना है, हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। ये हो जाएगा 258,000 और ये हो गया 137,500, 258,000 और ये हो गया 137,500। बैलेंस निकल जाएगा टू बैलेंस सीडी 254,000, इसमें से ये घट गया और ये हो जाएगा 137,500। ये बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बाई बैलेंस बीडी सेम अमाउंट, ये उठा के इधर ले आएंगे तो 254,000 और 137,500 डन। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट के लिए भी हमारे पास जगह नहीं बचा हुआ है, तो मुझे कोई आइटम मिटा देना होगा, ठीक है। तो ये जो वर्किंग वाला पार्ट है वो मैं हटा देता हूं, ये हमारा बैलेंस शीट ऑफ डेट होता है, डेट ऑफ चेंज, जिस दिन चेंज हुआ है, तो 1 अप्रैल से हम कह रहे हैं, तो April 1st, 2016, ये हमारा एसेट साइड हो गया, जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको हमें नए वैल्यू पे दिखाने हैं,
यानी कि जो रिवाइज होने के बाद हुआ है वो। तो कह रहा था सबसे पहले तो हम जो जो चेंज हुए हैं उनको लिख लेते हैं, फिर बाद में दूसरे को लिखेंगे। फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो फिक्स एसेट्स 150,000 था, तो फिक्स एसेट्स 150,000 का था तो अब 135,000 का हो जाएगा। उसी तरह डेटर्स पर 6% का प्रोविजन है, तो 120,000 माइनस प्रोविजन 7200 का आ जाएगा 112,800। ठीक है, उसके बाद थर्ड है स्टॉक को 190,000 पर लिखना है, तो स्टॉक हो जाएगा 190,000 और कैश जितना था उतने पे ही लिखा जाएगा, यानी कि 20,000, तो कैश हो गया 20,000। ठीक है, उसके बाद सबसे ऊपर दिया हुआ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी चेंज हुआ है 3700 का, तो क्रेडिटर्स 28,000 का था, 3700 का चेंज हुआ है, तो हो जाएगा ये 24,300। ठीक है, उसके बाद रिजर्व्स को हमको बुक्स में दिखाना है, वो पहले ही कह चुका है, तो रिजर्व्स 42,000 पे शो होंगे। और फिर कैपिटल आ जाएगा ए एंड बी का, ए एंड बी का है 254,000 और 137,500, तो टोटल हो जाएगा हमारा ये 391,500। टोटल कर लेंगे दोनों तरफ हमारा बराबर आ जाएगा 391,000, 42,000 और 24,000, तो 457,800। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं 190, 135, तो 2, 3, 4, 25, 4, 37, 4, 57, 800, ये हमारा बैलेंस शीट भी बन गया। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं ये आपका सॉल्यूशन पार्ट है, जर्नल एंट्री किया हमने, पार्टनर्स कैपिटल किया और बैलेंस शीट बना दिया। अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन को यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को पुराने वैल्यू पे दिखाना होता, रिवैल्यूएशन के बाद वाले वैल्यू पे नहीं, तो हमको ये जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। तो हम इस सभी जर्नल एंट्रीज के जगह पे सिर्फ एक एंट्री करते, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल, ये एंट्री दो बार होती, एक बार रिजर्व के लिए और एक बार रिवैल्यूएशन को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस आता उसको हम गेनिंग सैक्रिफाइसिंग के माध्यम से एडजस्ट करते हैं, तो वो अमाउंट सीधे सीधे कैपिटल में आ जाता है और ये जो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस चेंज हुआ है 18,000 और 13,500 ये भी नहीं आता। ठीक है, तो हमारा कैपिटल का वैल्यू बदल जाता और बैलेंस शीट का भी वैल्यू बदल जाता, अमाउंट चेंज हो जाता। इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट बचता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और वर्कमैन कंपनसेशन फंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इन दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पढ़ेंगे, उनमें कैसे उनको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैसे उनका एडजस्टमेंट करेंगे। ज्यादातर जो उनके साथ भी जो ट्रीटमेंट होना है वो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस के साथ भी होना है, बट जो हम बदलाव है उसमें जो कुछ नई चीजें हैं वो उसमें दी हुई है, तो इसलिए उसको अलग से जानना हमारे लिए जरूरी है। तो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मैं उसको अलग करके आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझने में या ये कॉन्सेप्ट समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम हुई है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।